विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर पर लिखा था, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। बता दें, इस पोस्टर में किसान की फोटो लगाई गई। जिस किसान की फोटो लगाई गई उसी किसान ने दावा किया कि उसके बिना इजाजत के उसकी फोटो का इस्तेमाल किया गया है। अब इसी मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। बीजेपी के पोस्टर में किसान को गलत तरीके से कर्जदार बताने के मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी पर सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। वही आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने किसान से मुलाकात भी की। बातचीत करते हुए किसान ने सीएम से कहा, मैंने बीजेपी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। इस बात पर सीएम ने कहा, मुझे मालूम है, पर आप मेरी बात सुनो, बीजेपी ने बेईमानी की है तो वो भुगतेगी, आप क्यों चिंता करते हो। तो वही दूसरी ओर किसान के बेटे ने कहा, हमारे साथ सरासर बेईमानी हुई है, अगर पोस्टर पूछकर लगाया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही किसान ने कहा, मेरे पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। आगे सीएम ने किसान से मारवाड़ी में कहा, बाबा थे चिंता मत करो, आपके जितने भी पोस्टर लगे हैं सब हटवा देंगे। आप चिंता मत करो, पोस्टर बीजेपी ने लगवाए थे, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आप चिंता मत करो, बदनामी आपकी नहीं हुई है, बदनामी बीजेपी की हुई है। वही आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने किसान से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए एक टैगलाइन भी दी, हमारे किसानों को क्यों बदनाम किया। आगे आपको बता दें, मामला जैसलमेर जिले का है। किसान माधुराम जपाल यहाँ के रामदेवरा गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगी है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव के युवक के जरिए उन्हें पता चला कि एक पोस्टर पर उनकी तस्वीर छपी है। युवक कुछ दिन पहले जयपुर गया था, जहाँ उसने कई पोस्टरों पर माधुराम की तस्वीर देखी। उसने ये फोटो गाँव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी। इसी ग्रुप में माधुराम के बेटे जुड़े हुए थे। बेटे ने ये फोटो देखकर अपने पिता को बताया। जब माधुराम ने ये फोटो देखी तो पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे ने मुझे ये बताया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बैनर पर जमीन नीलामी की बात लिखी गई थी, जबकि मेरी तो कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है। माधुराम ने आगे बताया कि मेरी फोटो बिना वजह लगाई गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि माधुराम ने कहा कि बीजेपी ने धोखे से उनकी फोटो ली है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले 2 लड़के उनके गांव में आए थे, उनके पास बड़े बड़े कैमरे थे। उन्होंने कहा था कि वो खराब फसलों की रिपोर्ट बनाने आए हैं, सरकार फसल खराब होने पर लोगों को क्लेम देगी। उस समय दोनों लड़कों ने बीजेपी या उनके चुनाव अभियानों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, और दोनों लड़कों ने किसी बहाने से माधुराम की फोटो ले ली। वही माधुराम के छोटे बेटे जुगतराम ने बताया कि जब से ये तस्वीर सामने आई है, उनके पिता काफी चिंता में रहते हैं। वो बार बार पूछते हैं कि उनकी तस्वीर हटी या नहीं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से निवेदन करते हैं कि उनकी तस्वीर हटा ले, उनकी बहुत बदनामी हो रही है, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब यही किसान बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कह रहा है। उसने बताया कि ना तो उस पर कोई कर्जा है और ना ही उसकी कोई जमीन नीलामी हुई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।